हेलो फ्रेंड्स, आज आपसे बात करने वाला हूं मैं दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में कि दिल्ली गवर्नमेंट ने दुनिया का सबसे बड़ा COVID-19 सेंटर बना दिया है। अभी ये जो COVID-19 सेंटर है, इसकी स्पेस इतनी बड़ी है कि लगभग 22 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। अगर मैं 22 फुटबॉल फील्ड को जोड़ दूं ना, तो तब ये COVID-19 सेंटर की स्पेस बनेगी। अगर मैं यही बात करूं तो ये जो है राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर है, जो कि दिल्ली के अंदर है, जिसको अब दिल्ली गवर्नमेंट ने ले लिया है ताकि इसको COVID-19 सेंटर में कन्वर्ट किया जा सके। इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और भी बहुत सारी चीजें तैयार हो रही हैं। ये जो हॉस्पिटल जो तैयार हो रहा है, जो स्पेस तैयार हो रहा है, इतना बड़ा जो सेंटर COVID-19 बन रहा है, इसमें 200 तो हॉल होंगे, 10,000 बेड होंगे। और ये अगर मैं हॉल्स की बात करूं तो एक हॉल के अंदर 50 लोग होंगे, 50 पेशेंट रहेंगे उसके अंदर। तो उनके सारे खाने पीने की व्यवस्था, लाइटिंग की हो गई, फैन की हो गई, कूलर की हो गई, हर चीज की जो फैसिलिटीज है इन पेशेंट्स को दी जाएगी। ऊपर से ये जो पेशेंट्स जिस बेड पर रहेंगे, जिस पे हॉस्पिटलाइज रहेंगे, वो बेड्स बनेंगे कोरूगेटेड कार्डबोर्ड के। अब ये कोरूगेटेड कार्डबोर्ड के क्यों बन रहे हैं कि बेड्स की तो स्पेशलिटी वो ये है कि ये लाइट वेटेड है, ऊपर से इजी असेंबल और डिसमेंटल किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इन बेड्स की वो ये है कि इन बेड्स को सैनिटाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब सैनिटाइज जनरली क्या होता है, जितने बेड्स अभी जहाँ लगे हुए हैं हॉस्पिटल्स में, वो लगभग उन पर वायरस 5 दिन तक रहता है, लेकिन ये जो बेड्स हैं इन पर 24 आवर्स में जो वायरस जो रहता है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो बेड्स हैं तैयार किए जा रहे हैं ताकि इन जल्दी से डिसमेंटल और जल्दी से असेंबल भी किया जा सके। इसलिए कोरूगेटेड कार्डबोर्ड के बेड्स तैयार किए गए हैं, जो कि इस सेंटर में COVID-19 सेंटर में लगने वाले हैं। और ये सब चीजें पेशेंट्स के लिए नहीं हो रही हैं, गवर्नमेंट जो है डॉक्टर्स के लिए भी इसमें अकोमोडेशन तैयार किया है। लगभग 400 डॉक्टर्स के लिए अकोमोडेशन तैयार किया गया है, और जितने भी डॉक्टर्स आएंगे वो भी 2 शिफ्ट के अंदर आएंगे। और उन्हें जो 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 डॉक्टर आ रहे हैं उन्हें भी अलग अलग प्रोसीजर से फॉलो करके इसमें अंदर आना होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है। खुद की एक एम्बुलेंस होगी, पैथोलॉजी लैब होगी, सारी टेस्टिंग जितनी भी होगी सारे पेशेंट्स की, सब इसी के अंदर होगा। ये मान लीजिए ये जो सेंटर है 20 मिनी हॉस्पिटल के बराबर होगा, तो सारी चीजें इसी सेंटर में की जाएंगी। अब ये जो चीजें एकदम से हो क्यों रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हाल ही के अंदर 50,000 केसेस एकदम से बढ़ गए हैं दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इतना बड़ा सेंटर बना दिया जाए ताकि ये जो केसेस हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अब जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो जल्दी से रैपिड एंटीजन टेस्ट तैयार करने वाली है, जिसमें बहुत सारे लोगों की टेस्टिंग होगी। और गवर्नमेंट एज्यूम कर रही है कि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस निकलेंगे और उनको हॉस्पिटलाइज करना बहुत जरूरी हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने सेंटर तैयार किया है ताकि जितनी भी पॉजिटिव केसेस आने वाले हैं उनको जल्दी से हॉस्पिटलाइज किया जा सके, क्वारंटाइन किया जा सके, उनका इलाज हो सके। अब ये जो इतनी बड़ी कोरोना पेंडेमिक डिजीज है, उसको लड़ने के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, अलग स्टेट, हर स्टेट की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पर अपने डिसीजन ले रही है, अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन करवा रही है या सेंटर्स खुलवा रही है ताकि ये जो डिजीजेस से लड़ा जा सके। तो ऐसी चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो बाकी कोई भी दिक्कत हो, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में वीडियो बनाऊं या कोई भी चीज नई आने वाली है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। आई होप आपने ये वीडियो पूरा देखा है। थैंक यू सो मच।